नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभा। कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन भारतीय सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसको देखते हुए सरकार ने आज शराब की दुकानों को खोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि शराब की दुकानों को खोला क्यों गया? तो शराब की दुकानों को खोलने के पीछे केवल अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत राहत देने के लिए खोला गया, लेकिन आज पूरे देश में तमाम जगहों पर शराबी और शराब के खरीदने वाले लोगों की लंबी कतार देखी। बहुत जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई, लेकिन तमाम जगहों पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लंबी कतार, एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर की लंबी कतार में घंटों खड़े होकर के लोगों ने शराब खरीदा और लाखों रुपए की शराब की बिक्री हुई। अब तक बता दें आपको कि कम से कम पूरे देश का अगर आंकड़ा देखें तो कई करोड़ रुपए की, अरबों खरबों की शराब की बिक्री हो चुकी है। और शराब पीने वालों में अजीब खुशी की लहर, जैसे लग रहा है कि उन्हें अमृत बटने जा रहा है और अमृत के लिए वो लाइन लगाए हुए हैं, जिसको देख करके लोगों को हंसी भी आ रही थी। कुछ लोग ये भी देख रहे थे कि देखो किस तरीके से लोग लाइन लगा करके बड़े ही नियम कानून से ले रहे हैं सामान, लेकिन ऐसी लाइन कभी भी राशन के लिए या अन्य किसी सामान के लिए लाइन लगती नहीं दिखी। जैसे कि आज देश के अलग अलग हिस्सों से शराब खरीदने के लिए लाइन लगाई देखी गई, ये काबिले तारीफ है। कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो सही है कि नशा शराब में नहीं, लोगों के दिमाग में है। जैसे ही लोगों को पता चला कि दुकानें खुलने, दुकान खुलने से पहले ही लगभग 6 बजे से ही लोग लाइन लगा दिए और लोगों ने खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी थी बहुत सी जगहों पर। हालांकि कुछ जगह कानपुर से और कई जगहों से ये खबरें आई कि लोग दुकानों पर बिल्कुल चढ़ गए, दुकानदार कहता रहा कि अब दूर जाइए, लेकिन बाद में लोग भी समझ गए और सभी लोगों को वितरण। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले से लोगों को फायदा होता है या नुकसान, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं हटती नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि कुछ शोध से ये भी पता चला है कि इम्यूनिटी सिस्टम को शराब कमजोर करता है, तो ऐसे में कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए शराब का बेचना सही होगा या गलत, ये तो आने वाला समय